सूक्ष्म मृदु विज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा आपके लिए यूनिक आइडिया और यूनिक बातों का खजाना लाता हूं। आज महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मैं एक कोर्स लाया हूं। उस कोर्स के बारे में बताने के पहले कि मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी कोर्सों के बारे में मैंने बताया वो सब अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा अनुमोदित हैं और ये भी आयुष मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड है। तो इस श्रृंखला में ये पांचवा कोर्स है और इस पांचवें कोर्स में बताया जाएगा नर्सिंग डिप्लोमा के बारे में। इसके पहले मैंने आपको बताया कि कैसे आप CMSNAD करके और आप सरकारी रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त कर लेंगे, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है और अगर ऐसा नहीं भी हो सकता है तो आपको प्रैक्टिस करने से कोई रोकने वाला नहीं होगा। दूसरा एक मैंने बताया आपको कि कैसे आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर के लिए डी फार्मा इन होम्योपैथ कर सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक संस्थान द्वारा, बोर्ड द्वारा प्रमाणित है और उसमें आपका पंजीकरण हो जाएगा। उसमें भी सरकारी नौकरी के चांसेस हैं। फिर मैंने बताया था आपको आयुर्वेदिक डिप्लोमा के बारे में, DAMS के बारे में बताया, जिसमें आप आयुर्वेदिक दवा खाना तो खोल ही सकते हैं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसमें भी नौकरी के चांसेज हैं। चौथा कोर्स मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी लैब खोल सकते हैं और लैब का डिप्लोमा कैसे मिलेगा वो भी मैंने आपको बताया। ये सभी मान्यता प्राप्त कोर्स हैं और सबकी दो वर्ष की ही डिप्लोमे हैं और ये सभी के सभी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा निर्मित हैं, इसलिए किसी प्रकार की इसमें धोखाधड़ी की संभावना नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वरोजगार हेतु अनूठी पहल पुष्पा पैरा मेडिकल कॉलेज के नाम से है ये, कानपुर क्षेत्र में, और ये लिखते हैं कि हमारा शिक्षण संस्थान आयुष पैरा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित है। यानी आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होगा वह आयुष पैरा मेडिकल कॉलेज काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा होगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.abdulkalamssa.com पर लॉगिन करके समस्त विवरण आप प्राप्त कर सकते हैं। नेम ऑफ डिप्लोमा ANM ANM असिस्टेंट नर्सिंग और मिडवाइफ्री। दो इसकी अवधि जो है, ड्यूरेशन 2 ईयर्स है, 2 साल का है और क्वालिफिकेशन यानी शिक्षा की पात्रता इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन कुछ भी आपकी हो, इंटरमीडिएट से नीचे नहीं होगी। एज लिमिट है 17 से 45 साल तक की महिलाएं इस कोर्स को कर सकती हैं। फीस का स्ट्रक्चर होगा ट्यूशन फीस पर ईयर 45,000 रुपये, एग्जाम फीस पर ईयर होगी 3,200 रुपये पर ईयर, बोर्ड फॉर्म फीस होगी 2,200 रुपये पर ईयर। तो इसमें ये जानकारी दी गई है। इस कोर्स को करने के बाद में आप जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सरकारी नौकरी अगर प्राप्त कर सकें तो ठीक है, नहीं कर सकती हैं तो भी उनके पास डिप्लोमा होगा, पंजीकरण होगा, जिससे कि वो इस कार्य को कर सकती हैं, कहीं भी नौकरी कर सकती हैं या अपना मिडवाइफ्री या नर्सिंग का अपना काम करके क्लिनिक खोल सकती हैं।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि सभी कोर्सों में इंटरमीडिएट अनिवार्य है, केवल CMS एंड ED में हाई स्कूल वाले लोग भी दाखिला ले करके प्राइवेट प्रैक्टिशनर बन सकते हैं या आयुष विभाग द्वारा जो भर्तियां होंगी उनमें भर्ती हो सकते हैं। तो अपने करियर को बनाने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए आप सभी लोगों को इन कोर्सों में दाखिला लेना ही चाहिए, ऐसा मेरा मत है। हमारा नंबर आपको टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और थंबनेल में दिख जाएगा। और ये पांचों वीडियो हमने आपको बनाए हैं ये जानकारी देने के लिए कि आप लोगों को अगर जीवन को सुगम बनाना है, लोगों की सेवा करके, लोगों को स्वस्थ करके, लोगों की चिकित्सा करके सम्मानपूर्वक जीवन को जीना है तो आप इन कोर्सों को जरूर कर लें। और आपको इससे लाभ यही होगा कि आपका सरकारी उत्पीड़न नहीं हो सकता, बल्कि सरकारी नौकरी में भी आपको चांसेस मिल सकते हैं, क्योंकि आयुष मंत्रालय जो है इसके द्वारा आपका संरक्षण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक आदेश के तहत ही ये सब कुछ है। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, या आपको हमारे द्वारा व्हाट्सएप पर आप संपर्क करें, व्हाट्सएप पर भी जानकारी दी जाएगी, आप बात कर सकते हैं। और सभी कोर्सों में जितने भी कोर्स हमने बताए उसमें 50% फीस जमा करके भी आप दाखिला ले सकते हैं, 50% कोर्सेज के बाद भी आपको दाखिला दे दिया जाएगा, बाकी फीस आप बाद में जमा कर सकते हैं। तो ये सरकारी मान्यता प्राप्त कोर्सेज हैं जिनमें बहुत ही उज्जवल भविष्य है। अगर आप गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा धनी नहीं हैं, आप MBBS, BAMS इत्यादि, BHMS इत्यादि कोर्स नहीं कर सकते, इन प्रकार के कोर्स नहीं कर सकते, तो आपको नौकरी के लिए फिर भी चांसेज हैं, प्रैक्टिस के लिए फिर भी चांसेज हैं, आप झोला छाप नहीं कहलाएंगे, आपका सरकारी उत्पीड़न नहीं होगा इन कोर्सों के लिए। देखिए, एक तो संस्थान मान्यता प्राप्त हो और कोई आपके पैसे की जिम्मेदारी ले कि आपके साथ धोखा नहीं होगा, यह काम हमारा चैनल करेगा। और हमारे चैनल के द्वारा जितने भी दाखिले होंगे उन सब की जिम्मेदारी हम खुद लेंगे कि आपके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। आकर के आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं और अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। मैंने आज तक जो भी जानकारी दी है, कभी किसी को गलत जानकारी नहीं दी, कभी किसी को भ्रामक जानकारी नहीं दी, एक एक बात खोल करके बताई है। तो आशा है कि आप इन सभी जानकारियों से अवश्य लाभ उठाएंगे। इन पांचों कोर्सों में से जिसे जो कोर्स अच्छा लगे, एक या एक से अधिक जो भी कोर्स अच्छा लगे, अब सारे कोर्स तो कोई एक साथ नहीं कर सकता, एक कोर्स को ख़त्म करने के बाद ही दूसरा कोर्स हो सकता है, तो आप लोग इन कोर्सों में दाखिला लें और अपने जीवन को सुखद, संपन्न, सहज, सरल और सफल बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हों। सुख समृद्ध विज्ञान आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और इसके बाद में कॉलेज के डायरेक्टर महोदय का इंटरव्यू होगा, जब वो हमें समय देते हैं। थोड़ा सा घर, अब इस समय जाड़ा ज़्यादा चल रहा है, आप भी मुझे देख रहे होंगे कि किस पोजीशन में मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस पोजीशन में मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, पर शरीर की रक्षा करना परम धर्म है और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम के अनुसार जाड़े से बचने के लिए ये सब इस वेश में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ।
तो मित्रों मेरे मेहनत को सार्थक करें और अपने जीवन की राह को सुगम बनाएं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं आपसे। मिलेंगे और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। ओम।